नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने निर्माणाधीन नगर निगम के सदन भवन का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम के सदन भवन की संभावित उद्घाटन तिथि 30 दिसंबर है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे तथा साथ ही ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा भी लग रही है, उसका भी अनावरण मुख्यमंत्री करेंगे तथा नगर निगम के कार्य जो पूरा हो गए हैं या चल रहे हैं उसका भी लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा, जिसको देखते हुए त्रिवगति से कार्य किया जा रहा है तथा प्रयास है कि 27 दिसंबर तक कार्य पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा नए वर्ष में नगर निगम कार्यालय व सदन भवन को शुरू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम के चीफ इंजीनियर सुरेश चंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा देखिए। नवीन नगर निगम भवन एवं जो हमारा सदन भवन है उसके शुभारंभ की जो संभावित तिथि है वो 23-30 दिसंबर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है और इसके साथ ही साथ परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की भी प्रतिमा यहाँ पर लग रही है, जिसका कि अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ बड़ी संख्या में जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे हो गए हैं या जो शुरू हो रहे हैं उनका भी लोकार्पण और उनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों के द्वारा किया जाएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के द्वारा लगातार जो है पूरे युद्ध गति से काम किया जा रहा है और उम्मीद ये है कि हम लोग जो है 26-27 तारीख तक सारे काम पूरे हो जाएंगे और हम लोग इसका रिहर्सल कर लेंगे। कुछ चीज़ें जो इंटीरियर से जुड़ी हुई हैं उनको वो बाद में चलती रहेंगी इंटीरियर वाले काम, और लेकिन यहाँ पे नए वर्ष में फंक्शनिंग नगर निगम कार्यालय और सदन भवन चालू हो जाएगा। क्या संभावना है कितने तारीख तक लोकार्पण होना? अभी 30 दिसंबर की सूचना प्राप्त हुई, संभावित तिथि 30 दिसंबर है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 30 दिसंबर को इसका जो है इसका शुभारंभ हो जाएगा।